सकती मैं। क्या बकवास कर रही हो तुम नताशा? You know baby I love you, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे। दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मैं जो तुम्हें समझ ना पाऊँ। सब जानती हूँ मैं कार्तिक, और सच्चाई एक्सेप्ट कर ली है मैंने, बस नाम बताओ कौन है वो। Stop it now। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका ये मतलब नहीं तुम जो भी बकवास करोगी मैं चुपचाप सुन लूंगा। ये रोज रोज के नखरे से मैं परेशान हो गया हूँ। हाँ, परेशान तो होगी मुझसे, कोई और जो मिल गई है तुम्हें। छुटकारा पाना चाहती हो ना तुम मुझसे हमेशा के लिए? अरे कार्तिक सुन, क्या बात है कार्तिक, इतना परेशान क्यों है? नताशा, वो औरत मेरी जान लेकर रहेगी, उसके सवाल कभी खत्म ही नहीं होते। कहां गए थे, किसके साथ थे, इतनी देर क्यों हुई, और आज तो किसके साथ सो रहे हो? एक मिनट का सुकून नहीं घर पर। उसे आराम से समझाने की कोशिश कर, शायद मान जाएगी। अरे वो कुछ सुनने को तैयार हो तब जाके समझाओ ना यार, तंग आ गया हूं उससे। मैंने डिसाइड कर लिया, इस बात का सॉल्यूशन निकालना ही होगा। बीमारी का इलाज जड़ से हो तो ही अच्छा है। अभी नताशा की बात को छोड़, वो रूम नंबर 7 वाले मिसेस मेहरा, उसका क्या करना है यार? जबरदस्ती ऑपरेशन की बात कर रही है वो। क्या हुआ, आप बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है, फिर से झगड़ा हुआ क्या? हाँ, मेरी जिंदगी में एक ही तो परेशानी है। उसे हम पर शक है क्या? कार्तिक की बात अगर सच निकली तो क्या सच में उसका अफेयर नहीं हुआ था? मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझसे उब गया है, छुटकारा पाना चाहता है वो मुझसे, पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ नताशा, आगे जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना होगा। ये रहा तुम्हारी चीटिंग का सबूत, अब क्या कहना है तुम्हें? ये तुम्हें कहां से मिला? झूठ है ये। अब तो झूठ बोलना बंद करो कार्तिक। यकीन करो मेरा नताशा, ये नकली तस्वीरें हैं, मॉर्फ की हुई तस्वीरें, किसी ने तुम्हें बहकाने के लिए भेजी है, ट्रस्ट मी। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे कार्तिक, अब तुम देखना मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूं। अब धमकी दे रही हो तुम मुझे? तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। तुम भी सुन लो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? नहीं, किसी को शक भी नहीं हुआ। इंसान फितरत से ही पेचीदा होता है, और इसकी जटिलता तब और बढ़ जाती है जब वो किसी रिश्ते में हो। भरोसे का टूट जाना और आपसी समझदारी की कमी किसी भी रिश्ते के बिगड़ने के पीछे अक्सर ये वजहें अहम होती हैं, और जब ऐसा होता है तब रिश्तों में आक्रोश पनपता है और पता ही नहीं चलता कब दिलों में खींच पैदा हो जाती है। सर, विक्टिम को स्टैब किया गया है, गला दबाने के निशान भी साफ दिखाई दे रहे हैं, और चेहरा भी बिगाड़ दिया गया है ताकि विक्टिम की पहचान को छुपाया जा सके। बॉडी पर और कोई भी जेवर नहीं है सिवाय इस ब्रेसलेट की, इसका लॉक खुलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कातिल जल्दबाजी में इसे छोड़कर भाग गया। इस मर्डर का मकसद तो लूट पार्टी दिखाई दे रहा है। ये देखिए सर, विक्टिम की उंगलियों पर रिंग के निशान हैं, शायद उन लोगों ने उतार ली होगी।
शायद उस पत्थर से विक्टिम का चेहरा बिगाड़ा गया होगा, उस पर खून का निशान है, शायद वो खून विक्टिम का होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मर्डर केस फाइल कर दो। सर मैं पास की सोसाइटी में रहता हूँ, मैं बालकनी पे खड़ा था, मैंने देखा कि एक वाइट कलर की वोजन 800 कार जो है झाड़ियों के पास रुकी, उसमें से दो आदमी उतरे और दोनों ने मिलकर एक बंडल को जो है नीचे फेंका। कौन थे वो दोनों, पहले कभी देखा उनको? रात बहुत थी, ऐसे भी ये जगह मेरी बालकनी से बहुत दूर है, मैं देख नहीं पाया। और कुछ देखा था, कार का नंबर या और कुछ? उनकी कार के पीछे राइट साइड के कॉर्नर में कुछ था, डिजाइन तो समझ नहीं आया लेकिन कुछ रेडियम सा चमक रहा था, स्टिकर या समथिंग। कुछ और याद आ जाए तो हमें बता देना, चाहिए। जी सर। प्रधान, सबसे पहले हमें विक्टिम की आइडेंटिटी का पता लगाना है, सभी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट चेक करो, विक्टिम की डिटेल्स, कपड़े और वो ब्रेसलेट न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे डाल दो। वो जोन 800 कार का पता लगाने के लिए भी सब लोगों को काम पे लगा देता हूं। अगर कातिल तक पहुंचना है तो हमारे पास ये सिर्फ व्हाइट कलर की हैचबैक कार है। राजीव, किसी को शक तो नहीं होगा ना कि ये गाड़ी मेरी थी? तो टेंशन मत ले, अगर हम शांत रहेंगे ना तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, समझा? और ये गहने का क्या करना है? तू रख ले, इस काम का इनाम समझ, बस ध्यान रखना कि इन्हें अभी बेचने की कोशिश भी मत करना। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया और अगली सुबह सभी अखबारों में उस अज्ञात महिला की हत्या की खबर छपी। अज्ञात पीड़िता से जुड़ी जानकारी को सोशल मीडिया पर भी इस उम्मीद के साथ शेयर किया गया कि कोई ना कोई इस मृत महिला को पहचान लेगा। मुखबिरों को भी सक्रिय कर उस रेडियम स्टिकर वाली वोजान 800 कार का पता लगाने के लिए कहा गया, जिसका इस्तेमाल विक्टिम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। पल्लवी मैम, क्या हुआ सरता? वो शास्त्री नगर वाले केस में उन तीनों बच्चियों को कहाँ बेचा गया इसका पता चल गया, किसी चांद बेगम के कोठे पे हैं वो तीनों, डीबी रोड के रेड लाइट एरिया में। तुम ऐसा करो, अंजलि और पूजा से बात करो, उनसे कोऑर्डिनेट करके उन्हें कहो कि डायरेक्टली स्पॉट पर ही पहुंच जाए। मैं इंस्पेक्टर सिंह से बात करती हूँ, इस बार हमें तुरंत रेड करनी पड़ेगी। ओके मैम। विक्टिम की एज 28 और 32 साल के बीच की है, टोटल 4 बार उसे स्टैब किया गया है, मर्डर वेपन जैसे कोई तेज धार वाला हथियार जैसे चाकू। स्टैबिंग के साथ साथ विक्टिम का गला भी दबाया गया है, दम घुटने की वजह से विक्टिम की मौत हुई है। कातिल नहीं चाहता था कि विक्टिम किसी भी हालात में जिंदा बचे। बॉडी पर काफी स्ट्रगल मार्क्स है, जैसे विक्टिम ने काफी हाथ पैर मारे होंगे, लेकिन उसे काबू में करने के लिए एक आदमी काफी नहीं होगा, इसलिए ऐसा लग रहा है कि हत्यारे एक से ज्यादा होंगे, बट आई एम नॉट श्योर। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, बट विक्टिम वॉज सेक्सुअली एक्टिव। मौत का समय क्या होगा? कल रात 10 और 12 के बीच। अज्ञात महिला की हत्या की खबर जंगल में लगी आग की तरह गुरुग्राम में फैल गई। पुलिस उम्मीद में थी कि उन्हें पीड़िता के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी जो पीड़िता को एक नाम देने में मददगार साबित होगी, और जल्द ही उनका इंतजार खत्म हुआ और ऐसी एक खबर ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। सर मुझे पक्का यकीन है कि ये मेरी पड़ोसी नताशा है, नताशा गिल, मैंने कई बार उसे इन कपड़ों में देखा है। कपड़ों के साथ साथ ये जो गोल्डन ब्रेसलेट आप देख रहे हैं, ऐसा सेम ब्रेसलेट नताशा के पास था। आप श्योर हैं कि ये नताशा का ही है? हाँ सर, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, क्योंकि उसी का ब्रेसलेट देखकर मैंने खुद के लिए सेम ब्रेसलेट बनवाया था। ये देखिए, वाओ नताशा, सच अ ब्यूटीफुल ब्रेसलेट। थैंक यू, मैंने ना स्पेशली डिजाइन चूज करके बनवाया था। क्या मैं सेम डिजाइन का ब्रेसलेट खुद के लिए बनवा लूं? Sure, why not? आपने बताया कि नताशा आपके पड़ोस में रहती है? हाँ सर, इनफैक्ट यहाँ आने से पहले मैंने नताशा के घर जाकर चेक भी किया था। उसके बाद मैंने नताशा और उसके पति कार्तिक को फोन भी ट्राई किया, पर दोनों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। ये सब देखकर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं सीधा यहाँ पर आ गई। आप मुझे कार्तिक और नताशा का नंबर लिख के दीजिए। वैसे ये दोनों काम क्या करते हैं? सर कार्तिक डॉक्टर है और उसका खुद का नर्सिंग होम भी है, फिट एंड केयर नर्सिंग होम जो जीवन चौक पर है, और नताशा टीचर है, स्कूल में हायर क्लासेस को पढ़ाती है। नताशा और कार्तिक के बीच रिलेशन कैसा था?
देखने से तो सब ठीक ही लगता था सर, पर कभी कभी नताशा की बातों से ऐसा लगता था कि वो अपने हस्बैंड को लेकर बहुत पसेसिव थी। सर, कार्तिक और नताशा दोनों के फोन स्विच ऑफ। कोई और नंबर है? मेरा मतलब है माँ बाप या कोई रिलेटिव। नहीं सर, मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है, पर आप उज्ज्वला से पूछ सकते हैं, वो मेरे यहाँ काम करती है और नताशा के यहाँ पर भी वही काम करती है। हाँ साहब, मैं ही नताशा दीदी और कार्तिक साहब के घर काम करने जाती हूँ। आज सुबह भी गई थी, उनका घर बंद था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग काम के लिए जल्दी निकल जाया करते थे, इसलिए साहब मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। नताशा और कार्तिक के घर वालों के बारे में कुछ जानती हो? किसी का नंबर या पता है तुम्हारे पास? पता तो नहीं मालूम, लेकिन नताशा दीदी के माँ बाप गुरुग्राम में ही कहीं रहते हैं, उनकी माँ का नंबर है मेरे पास। इन दोनों का आपस में रिश्ता कैसे था? पहले तो बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन पिछले 3 महीने से उन दोनों के बीच में काफी झगड़े हो रहे थे। 10 अगस्त को उनके यहाँ काम करने गई थी जी, क्या तब लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था? हाँ साहब, उस दिन भी उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ था। ये तुम्हें कहाँ से मिले? झूठ है ये। अब तो झूठ बोलना बंद करो कार्तिक। तुम देखना मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ। अब नताशा ने क्यों? वो अफेयर वाले शक को लेकर। हो सकता है साहब। ठीक है उज्ज्वला, तुम जा सकते, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लो। जी सर। साहब वो जो लाश है सच में नताशा दीदी की है? देखो जब तक नताशा के परिवार वाले आके लाश को पहचान नहीं लेते हम कुछ नहीं कह सकते। नताशा के पेरेंट्स से बात हो गई है, वो डेड बॉडी की पहचान करने के लिए हॉस्पिटल आ रहे हैं, लेकिन सर कार्तिक के बारे में उन्हें भी कोई खबर नहीं। अगर वो लाश नताशा की है तो बड़ी अजीब बात है, बीवी को मरे 2 दिन हो गए और पति गायब है, या तो कार्तिक भाग गया है या फिर उसके साथ भी कुछ हुआ है। ईशा, तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ? कल तुम्हारी लास्ट डेट है ना? नहीं माँ। क्यों, और तुम कॉलेज भी नहीं गई आज? मेरा मन नहीं हो रहा था। अच्छा माँ, वो पापा से बात हुई? नहीं, और मुझे उनसे कोई बात करनी भी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है बैठो, खाना खाओ। वो तुम्हारे पापा हैं, तुम उनसे बात नहीं करोगी तो सब क्या कहेंगे? जिसे जो बोलना है बोलने दो माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी हुआ है उसे पीछे छोड़कर आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। ईशा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, फोन साइड में रखो। माँ आपने ये मैसेज देखा क्या? ये आपकी बेटी नताशा के? नताशा के बाई एड़ी में काला निशान है बचपन से। सर 4 साल पहले नताशा को मलेरिया हुआ था, तब हमने कार्तिक के नर्सिंग होम में ही उसी की एडमिशन की थी। कार्तिक और नताशा पहली बार वहीं पे मिले थे, हमें उनके रिश्ते के बारे में बहुत बाद में पता चला। कार्तिक मुझसे 12 साल बड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसे क्या फर्क पड़ता है? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये काफी नहीं है? नताशा तुम अभी समझ नहीं रही हो, 12 साल बहुत होते हैं, और फिर कार्तिक की एक बार पहले शादी हो चुकी है, तुम्हें उससे बेहतर लड़का मिल जाएगा। मुझे बेहतर लड़का नहीं चाहिए पापा, मुझे बस कार्तिक चाहिए, मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। नताशा तुम हर वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकती, आखिर समाज में भी हमारी कुछ इज्जत है। पापा प्लीज एक बार सोच कर तो देखो, कार्तिक में क्या कमी है? कार्तिक अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, डॉक्टर है, और सबसे बड़ी बात वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कैन आई इंटरप्ट सर? सर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं नताशा का ख्याल रखूंगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारा पहले डाइवोर्स क्यों हुआ था? पापा अब पुरानी बातें उठाने से क्या फायदा, कार्तिक आगे बढ़ चुका है मेरे साथ और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। नताशा को हम दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए हमें उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। क्या आप लोगों को पता है कि कार्तिक की जिंदगी में नताशा के अलावा भी एक दूसरी औरत थी? सर ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ,
और पिछले कई महीनों से इसी बात को लेकर कार्तिक और नताशा के बीच झगड़ा हो रहा है। सर, मेरी नताशा से हर दूसरे दिन बात हुआ करती थी, उसने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। सर, नताशा और कार्तिक दोनों के को रिकॉर्ड्स कल सुबह तक आ जाएंगे। प्रधान, जल्द से जल्द हमें कार्तिक तक पहुंचना होगा। पहले उसकी बीवी नताशा की डेड बॉडी हमें मिलती है, फिर पता चलता है कि उसके लाइफ में नताशा के अलावा दूसरी औरत भी है, और इन सब के बीच ये कार्तिक कहां गायब हो गया पता नहीं। हो सकता है सर कार्तिक के कॉलिंग कॉर्ड से हमें उस दूसरी औरत का पता चल जाए। क्या भाई, कब से देख रहा हूँ, पीछा कर रहा है मेरा। कौन है तू? अरे मेरा एक दोस्त है सतीश, मुझे लगा उसकी गाड़ी है। अबे कौन है सतीश? मैं किसी सतीश को नहीं जानता, पिछले 10 साल से ये गाड़ी मेरे पास है। ऐसे कैसे हो गया? नंबर तो वही है। अबे ये गाड़ी मेरी है, टाइम बर्बाद कर रहा है मेरा, चल निकल। फिर मुझसे ही गलती हुई होगी, नंबर गलत याद होगा, सॉरी यार। हाँ विक्रांत बोल। राजीव, वो एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था गाड़ी से। पीछा कर रहा था? तो तूने क्या किया? मैंने उससे जब पूछा तो बोल रहा था कि किसी सतीश की गाड़ी है ये। तूने उसकी शक्ल देखी ना, वो दिखने में कैसा था? मतलब पुलिस वाला लग रहा था क्या तुझे? नहीं नहीं, पुलिस वाला तो नहीं लग रहा था वो। तू फालतू में टेंशन ले रहे। अबे हमने पीछे कोई सबूत छोड़ा ही नहीं है, कोई तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा विक्रांत। ठीक है राजीव। कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से नताशा रात को 10 बजे अपने घर वाले एरिया से बाहर निकली थी, फिर उसका फोन एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूव होता रहा, और एक घंटे बाद तकरीबन रात को 11 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके फोन पर लास्ट कॉल रात को 9:30 बजे था सर, 444756 इस नंबर से। मतलब कॉल आने के आधे घंटे बाद वो घर से निकली, जरूर कॉलर से मिलने गई हो। किसका नंबर है ये? नंबर भी स्विच ऑफ है सर, इसकी भी डिटेल्स निकल पा रहा हूँ। कार्तिक का कुछ पता चला? उसके कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर 10 अगस्त की रात को कार्तिक का फोन रात को 11:50 पर स्विच ऑफ हुआ था। उसका लास्ट लोकेशन न्यू दिल्ली एयरपोर्ट है। मतलब मर्डर करके सीधा भागने का प्लान था। सर कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड में 2 नंबर्स और मिले, एक है मोना सेगल का और दूसरा है डॉक्टर अभय सचदेवा का। कार्तिक ने फोन स्विच ऑफ करने से जस्ट पहले इस डॉक्टर अभय सचदेवा को कॉल किया था। ये अभय उसी के नर्सिंग होम में उसके साथ काम करता है। और ये मोना? ये भी कार्तिक के नर्सिंग होम में नर्स है सर। कार्तिक और मोना के बीच पिछले 3 महीनों से काफी बातें हो रही थी। कार्तिक का जिसके साथ अफेयर चल रहा है वो दूसरी औरत मोना ही है। पता नहीं, इस मोना को पुलिस स्टेशन बुलाओ और तुम फिट एंड के नर्सिंग होम में जाकर डॉक्टर अभय से मिलो और कार्तिक के बारे में पता करो। नताशा का मर्डर हो गया? कब, कैसे? और कार्तिक, क्या उसे पता है? ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं सर? 10 अगस्त की रात को 10 से 12 के बीच नताशा का मर्डर होता है और उसी दौरान कार्तिक आपको कॉल करता है। काम हो गया? हाँ हो गया। उसकी लास्ट लोकेशन एयरपोर्ट है और उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। कहाँ छुपा हुआ है कार्तिक? सर कार्तिक सर मुंबई गए हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए, 10 तारीख की रात की उनकी फ्लाइट थी। मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गया तो फोन क्यों स्विच ऑफ? सर मुझे नहीं पता, बल्कि मैंने और अभय सर ने तो कई बार उनका नंबर ट्राई किया है। अच्छा, तुम्हारे और कार्तिक के बीच रिलेशन क्या है? वही सर जो एक डॉक्टर और नर्स के बीच में होता है। ये तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड नर्सिंग होम में दिन भर काम करने के बाद हर रात इतनी देर किस बात पर डिस्कशन करते हो तुम दोनों? नताशा को मारने का प्लान तुम दोनों ने मिलकर बनाया था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कैसे कोई बात नहीं है डॉक्टर अभय? कार्तिक ने उस रात को लास्ट कॉल आपको ही किया था जी। वो नर्सिंग होम की सप्लाईज के बारे में बात करनी थी। क्या बात करनी थी? कंसाइनमेंट डिले हो गया था ना, उस बारे में। किस चीज का कंसाइनमेंट? कहाँ से आने वाला था और कब आने वाला था? जी वो डॉक्टर अभय आप झूठ बोल रहे हैं। अभी आप हमें सीधी तरह से बताइए कि कार्तिक ने नताशा के मर्डर के बारे में आपको क्या बोला? आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। हमारे हॉस्पिटल की एक नर्स ने एक पेशेंट को गलत दवाई दे दी थी, जिस वजह से उसकी कंडीशन बहुत सीरियस हो सकती थी। वो तो फॉर्चुनेटली टाइम पे पता चल गया और सब संभल गए। सर यही चेक करने कंफर्म करने के लिए कार्तिक ने मुझे कॉल किया था। तो मतलब मर्डर के साथ साथ आप लोग मेडिकल नेग्लिजेंसी को भी कवर अप करते हैं? हाँ सर, मैं मानती हूँ कि मेरा और कार्तिक का अफेयर है, लेकिन नताशा के मर्डर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मर्डर वाली रात तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे? तुम दोनों के सेल लोकेशन से साफ पता चलता है कि मर्डर वाली रात तुम दोनों रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक साथ में थे। एक्चुअली हम लोग ब्लू मून होटल में थे,
तो नताशा से छुटकारा पाने के लिए कार्तिक ने नताशा को रास्ते से ही हटा दिया। सर उस रात मैं और कार्तिक साथ में ड्रिंक कर रहे थे। नताशा ने जीना मुश्किल कर दिया। हर रोज नए ड्रामे करती है। आज तो पता नहीं कहाँ से उसे मेरे और मोना के फोटोज हाथ लगे। लेकिन उसके पास फोटोग्राफ्स आए कहाँ से? पता नहीं यार कहाँ से मिले। लेकिन अब इस बात का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। मतलब कार्तिक ने नताशा को मारने की बात की थी? सर मुझे नहीं पता कि कार्तिक ने ऐसा क्यों कहा, उसके कहने का क्या मतलब था। लेकिन मैं कार्तिक को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सर हमने हमारे रिलेशन को सीक्रेट रखा था। अगर किसी को ये बात पता थी तो वो बस डॉक्टर अभय है। तो क्या वो पिक्चर्स डॉक्टर अभय ने नताशा को भेजे? नहीं सर, भला मैं क्यों नताशा को कार्तिक और मोना के पिक्चर्स दूंगा, वो पहले इतना परेशान था। रही बात नताशा के मर्डर की, तो सर मुझे नहीं लगता कार्तिक ऐसा कुछ करेगा। कार्तिक मुंबई में जिस मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गया है, वहां किसी को बोल के उससे बात कर सकते हैं आप? सर कार्तिक का पता चल गया है, वो अभी मुंबई में ही है, बात हो गई है उससे। वो यहाँ गुरुग्राम के लिए निकल रहा है। कार्तिक को तो पता ही नहीं है कि उसकी वाइफ नताशा का मर्डर हो चुका है। जब उसको बताया काफी चौंक गया था। क्या वाकई में कार्तिक सच बोल रहा था? क्या वाकई उसे नताशा की मर्डर की कोई खबर नहीं थी? और अगर कार्तिक को इस बारे में कुछ पता नहीं था तो उसने पिछले दो दिन से अपना फोन क्यों ऑफ कर रखा था? या फिर यह हत्या कार्तिक की तरफ से एक परफेक्ट मर्डर था, जिसमें हत्या के वक्त उसका गुरुग्राम से बाहर मुंबई में होना सिर्फ उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा था ताकि वो आरोपों से बच सके। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस को सिर्फ कार्तिक से मिल सकते थे। कितनी बार बताऊं सर, मैंने फोन स्विच ऑफ नहीं किया था। मोना से मिलने के बाद मैं कैब लेकर एयरपोर्ट के लिए निकला था और गलती से फोन कैब में छोड़ गया। नताशा से पहले भी तुम्हारी एक शादी हुई थी, वो बीवी कहाँ है? उसकी डेथ हो चुकी है, उसी के बाद मैंने नताशा के साथ शादी की। नताशा के माँ बाप को झूठ क्यों बोला था कि तुम्हारा डिवोर्स हुआ है? मैंने झूठ नहीं बोला, नताशा ने बोला था। वो क्यों झूठ बोले? मैं कैसे बता सकता? 10 अगस्त की रात जब तुम तुम्हारे दोस्त अभय के साथ ड्रिंक कर रहे थे, तब तुमने कहा था कि नताशा का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है। अब इस बात का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। और यही बात तुमने मोना से भी कही थी मर्डर वाली रात। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर, मैं डिवोर्स की बात कर रहा था। मैं नताशा से मिलकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की बात कर रहा था। तो इस मर्डर में तुम्हारा कोई हाथ नहीं? मैं नताशा का मर्डर क्यों करूंगा सर? और कोई है जो नताशा को मारना चाहता हो? मुझे इस बारे में नहीं पता सर। लेकिन सर हमारी शादी से पहले नताशा का एक दोस्त हुआ करता था, अमृत। वो उसे बहुत पसंद भी करता था। इनफैक्ट हमारी शादी के बाद उसने नताशा के साथ बात करना भी बंद कर दिया था। हाँ सर, मैंने उससे बात करनी बंद कर दी थी क्योंकि मैं नताशा को पसंद करता था। लेकिन नताशा कार्तिक से प्यार करती थी, उस वक्त मैं ये देख नहीं पाया और मैंने उससे बात करनी बंद कर दी। और फिर 3 साल बाद तुम दोनों में बातें शुरू हो गई। तुम्हें लगा इस बार तुम्हारा चांस लगेगा क्योंकि नताशा कार्तिक से नाराज थी, उन्हें बात करने की कोशिश की लेकिन नताशा ने मना कर दिया और इसलिए गुस्से में आकर तुमने नताशा को मार डाला। सर मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मैं नताशा से प्यार करता था। 3 महीने पहले इत्तेफाकन वो मुझे एक सोशल नेटवर्क की साइट पे मिली, हमारी बातचीत हुई और नंबर एक्सचेंज किया। सर मान लेते कि तू जो कुछ भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, नताशा तुम्हारी अच्छी दोस्त थी, काफी बातें शेयर हुई होगी, तुम्हें क्या लगता है नताशा को किसने मारा होगा? सर वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि नताशा ने तय कर लिया था कि वो कार्तिक के ऊपर चीटिंग का केस करे, उसे बर्बाद करना चाहती थी। हो सकता है कार्तिक उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। ये कार्तिक तो हमारे साथ गेम खेल रहा है। मतलब इसने हमसे कहा था कि इसकी एक्स वाइफ की डेथ हो चुकी है। तो क्या वो जिंदा है? वो जिंदा ही नहीं है सर, वो नताशा के क्रीमेशन में भी आई थी। पल्लवी गिल कार्तिक की एक्स वाइफ। कार्तिक ने हमसे ये क्यों कहा कि उसकी एक्स वाइफ की डेथ हो चुकी है? मुझे नहीं पता, हमारे रिश्ते के बारे में सभी लोग जानते हैं, कुछ छुपा नहीं है इसमें। नताशा भी हमारे रिश्ते के बारे में जानती थी। आप लोगों को डिवोर्स क्यों हुआ? डिवोर्स नहीं हुआ है हमारा। मतलब आप दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ था और उसके बावजूद कार्तिक ने नताशा से शादी कर ली थी? मैं जानता हूं तुम्हें हर्ट कर रहा हूं, लेकिन अब और धोखे में रखना नहीं चाहता। कार्तिक हम तो एक साथ खुश थे ना, फिर ये अचानक से क्या हो गया? पल्लवी मैं नताशा को शादी करने का वादा कर चुका। कार्तिक अपना मन बना चुका था, वो नताशा से प्यार करता था और मेरे पास उसे रोकने की कोई वजह बची नहीं थी। आप दोनों की शादी कब हुई? 2007 में, लव मैरिज थी। दोनों का कोई बच्चा? अच्छा माँ वो पापा से बात हुई,
वैसे नताशा की वजह से आप दोनों की शादी टूटी थी, तो नताशा के लिए आपके दिल में रंजिश तो रही होगी। नताशा के लिए रंजिश रखकर मैं क्या करती? मैंने जो किया था उसका किया तो भुगतना ही था। मतलब मैं कार्तिक की पहली बीवी नहीं हूँ ना, मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। क्या? तो उसकी पहली बीवी कौन है और कहाँ है? गीता नाम है उसका, रोहतक से है वो। जब कार्तिक मुझसे मिला था वो शादीशुदा था, हमारे बीच में प्यार हुआ, मैं उनके बीच में आ गई थी, तो उसने गीता को डिवोर्स दे दिया। मतलब आप कह रही है कि कार्तिक की 3 शादियां हो गई है और उसके बावजूद अभी उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है? कार्तिक हमेशा ऐसे ही खुदगर्ज था, बस मैं प्यार में अंधी हो गई थी। गीता कार्तिक की पहली बीवी, उसका एड्रेस है आपके पास? जगदीश अग्रवाल। हाँ सर मैं ही हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? 444756 ये तेरा नंबर है ना? था सर, मैंने फ्री इंटरनेट के लिए लिया था। उसके फोन पर लास्ट कॉल रात को 9:30 बजे था सर, 444756 इस नंबर से। ये नंबर भी स्विच ऑफ है सर, इसकी भी डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। अभी सर सच बोल, नताशा गिल को क्यों मारा? नताशा? सर ये कौन है और मैं किसी को क्यों मारूंगा? तू ADI कॉलेज में पढ़ता है ना? नहीं सर, मैं तो SRV कॉलेज में पढ़ता हूँ। सर मुझे नहीं पता आप किस मर्डर की बात कर रहे हो, मैं किसी नताशा को नहीं जानता, और इंटरनेट यूज़ करने के बाद मैंने वो सिम कार्ड फेंक दिया था सर। और तेरी इस लापरवाही की वजह से किसी ने उस सिम कार्ड का इस्तेमाल करके बहुत सफाई के साथ मर्डर कर दी। सच सच बता, नताशा के मर्डर में कहीं तेरा हाथ तो नहीं? दिमाग खराब हो गया तेरा, क्या बोलना क्या चाहता तू? पुलिस को तुझ पे शक? उस रात तूने कहा था कि तू नताशा से काफी परेशान था, उससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ करने की सोच रहा था। हाँ भाई, मैं मुंबई से लौटने के बाद नताशा के साथ डिवोर्स देने की सोच रहा था। ये बात तू मुझे उस रात भी कह सकता था? मुझे भरोसा नहीं है मुझ पर। मैं तुझ पे भरोसा करना चाहता हूँ, एंड आई ट्रूली होप कि तू सच बोल रहा है। कार्तिक, पुलिस को अब भी तुम पर शक है क्या? उनका शक इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। तो अब आगे क्या करना है? यू डोंट वरी, मैंने कुछ सोच के रखा। गीता कक्कड़ जी। जी, कार्तिक और मेरी शादी तो बहुत ही कम उम्र में करा दी गई थी, और जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उसकी जॉब भी लग गई। पहले तो हफ्ता 2 हफ्ते में अक्सर वो घर चलाया करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे हफ्ते महीने में बदल गए। आपका और कार्तिक का डिवोर्स कब हुआ? 2007, जब कार्तिक दिल्ली में था तब उसकी मुलाकात पल्लवी से हुई। मुझे तो उनके रिश्ते की कोई भनक भी नहीं थी, लेकिन फिर अचानक कार्तिक ने सामने से आके मुझे सब कुछ बता दिया। इसलिए जब उसने मुझसे डिवोर्स मांगा तो मैंने मना नहीं किया। कार्तिक का काम अच्छा चल रहा था तो मुझे लगा कि वो हमारी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे पाएगा, इसलिए मैंने हमारी बेटी की कस्टडी उसे सौंप दी। आपकी और कार्तिक की एक बेटी भी है? जी हाँ, ईशा, ईशा गिल, और वो अपने पापा कार्तिक और पल्लवी के साथ ही तो रहती है। लेकिन कार्तिक और पल्लवी दोनों ने हमें ईशा के बारे में तो कुछ नहीं बताया। कार्तिक आखिर झूठ क्यों बोल रहा था? क्या वो खुद को बचाना चाहता था या फिर किसी और को? पल्लवी से मेरी शादी हुई तब ईशा 7 साल की थी। शुरुआत से ही मैंने ईशा को अपनी बेटी माना था, मैंने और कार्तिक ने दोनों ने मिलकर इसे बड़ा किया है। लेकिन फिर पापा की जिंदगी में नताशा आई और सब कुछ बिखर गया। मैं ईशा को अपने साथ रखना चाहता था, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, खासकर उस नताशा के साथ रहने के लिए, जिसकी वजह से मेरी माँ को इतनी ठेस पहुंची। मैंने वो घर छोड़ा था लेकिन ईशा को कभी नहीं छोड़ा, वो मेरी इकलौती औलाद था। मेरे लिए मेरी फैमिली सिर्फ मेरी माँ है सर, और कोई भी नहीं। और अगर पापा को मेरी इतनी चिंता होती तो वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाते। कार्तिक, पल्लवी और ईशा तीनों से बात करके सिर्फ फैमिली ड्रामा सामने आ रहा है, अभी तक हमारे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है और ना ही कोई वजह। सर, कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी उसकी और नताशा की लोकेशंस अलग अलग थी। मैंने पल्लवी और ईशा के कॉल रिकॉर्ड्स भी स्टडी किए, इंसिडेंट के वक्त ये दोनों घर पर ही थे। इनके अलावा डॉक्टर अभय, नताशा का फ्रेंड अमृत और नर्स मोना, इनके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला। तो प्रधान, नताशा को मारा किसने? किसने की होगी इतनी जबरदस्त प्लानिंग जो हमारे हाथ ही नहीं लग रहे? साहब अंदर आऊं क्या? आजा बहादुर, कुछ अच्छी खबर है तो बता। साहब, हमने गुरुग्राम में आपकी सफेद कार को पूरी तरह छान मारा, लेकिन किसी भी कार पे वो स्टिकर नहीं दिखा सर। यहाँ तक कि NCR इलाके में भी ढूंढा, लेकिन वो स्टिकर वाली कार नहीं दिखी सर। और नताशा के गहनों के बारे में कुछ पता चला? अभी मार्केट में आए नहीं है,
और सर वो सुपारी वाले एंगल से भी कुछ मिला नहीं। तुमने कहा था कि गुड़गांव में 3 ओजोन 800 सफेद कार्स है, लेकिन किसी पर भी स्टिकर नहीं है, पता है मुझे। उन कार ओनर्स का नाम और एड्रेस है तुम्हारे पास? हाँ साहब, वो तो मैंने पहले ही पता कर लिया। मुझे लगता है कातिल ने वो रेडियम स्टिकर निकाल दिया होगा। प्रधान, इन तीनों को हिस्से निकालो और उठाकर लेकर आओ। मुझे लगता है इन तीनों में से कोई एक तो हमारे काम का आदमी है। क्या हुआ सर? विक्रांत मेरा? मेरा बेटा है। कहाँ है? वो तो गैरेज में गया है काम करने। विक्रांत जहाँ काम करता है वहाँ का एड्रेस दीजिए। सब क्या हुआ है मुझे? विक्रांत गैरेज में नहीं है, और कहाँ जा सकता है? मुझे नहीं पता सर। सर ये देखिए सर, ये विक्रांत के कमरे से मिला है। जूतों के डब्बों में छुपा कर रखा गया था। और सर विक्टिम के पति ने जो हमें फोटोज दी थी उससे ये मैच करता है सर। ये इतने महंगे गहने ये किसके हैं साहब? उस औरत के जिसका खून आपके बेटे ने किया। खून? हाँ विक्रांत बोल। राजीव अबे पुलिस मेरे घर तक पहुंच गई, तूने तो कहा था कि कुछ भी नहीं होगा। क्या बोल रहा है विक्रांत तू? अबे सच बोल रहा हूँ, बाल बाल बच गया मैं। तू अभी कहाँ पर है? एमडी नगर के वो पीछे वाली रोड पे गाड़ी में बैठा हूँ। राजीव मुझे लगता है कि हमें पुलिस को सब सच सच बता ही देना चाहिए। तू ना तू 2-4 दिन के लिए गुरुग्राम से बाहर चले जा, है ना? तब तक मैं कोई प्लान बना लूंगा। मैं तुझे 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ। अगर तूने मुझे इस झमेले से नहीं निकाला ना तो मैं खुद ही पुलिस को जाकर सब सच सच बता दूंगा। सर विक्रांत के फोन की लोकेशन डेड बॉडी मिलने वाली जगह से मैच हो रही है, टाइम भी उसी दौरान का है। विक्रांत के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? विक्रांत जिस नंबर पे रेगुलर टच में था उन सारे नंबर्स की डिटेल्स निकलवा रहा हूँ सर। पर वो मनोहर जिसने डेड बॉडी को गाड़ी से उतारते हुए देखा था उसने बताया था 2 आदमी थे, एक तो ये विक्रांत ही है, दूसरे आदमी का पता लगाना बाकी है। विक्रांत का कुछ पता चला? विक्रांत के घर पे कॉन्स्टेबल्स लगा दिए सर, विक्रांत और उसकी माँ का फोन ट्रैक कर रहे हैं। साहब वो विक्रांत का पता चल गया साहब। तुझे क्या लगा था गाड़ी धोने से सबूत धुल जाएंगे? तेरी सफेद ओजोन 800 हमने फॉरेंसिक में भेज दिए जिसमें नताशा के खून के ट्रेस मिल ही जाएंगे, इसलिए कोई भी कहानी सुनाने के बारे में सोचना भी मत। सीधे सीधे बता दे नताशा को क्यों मारा? सर मैंने उसको नहीं मारा, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता था। सर वो मेरा बचपन का दोस्त राजीव 9 तारीख को मुझसे मेरी गाड़ी लेकर गया था और फिर 10 तारीख की रात को उसने मुझे कॉल किया किसी PCO से और मोहल्ले के बाहर बुलाया मिलने के लिए। सर मैं फंस गया था इसलिए मुझे उसके साथ जाना पड़ा क्योंकि मेरी गाड़ी उसके साथ थी। मैं उस औरत को नहीं जानता था सर, सच बता रहा हूँ। क्या हो गया राजीव, तेरा फोन क्या? तूने मुझे लैंडलाइन से क्यों कॉल किया था? तू अंदर आ, मैं सब बताता हूँ। राजीव तू इतना बौखलाया हुआ क्यों है? कुछ बताएगा मुझे क्या हुआ? तू मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुना भाई, गाड़ी साइड पे लगा। मेरी बात तो सुन विक्रांत, ये मर चुकी। जल्दी कर। सर मैं प्यार के जुनून में अंधा हो गया था सर, उसे पाने के लिए जो बन पड़ा मैंने किया सर। किसके प्यार का जुनून था? नताशा के? नहीं सर, ईशा के। ईशा के लिए तूने नताशा को मार दिया? हाँ सर। तो ईशा ने तुम्हें कहा था नताशा को मारने के लिए? नहीं सर, उसकी माँ पल्लवी ने कहा था सर। पल्लवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं उसकी बेटी के स्टेटस के बराबर नहीं था। मैं और राजीव पिछले 6 महीने से डेट कर रहे थे पर माँ हमारे रिश्ते से खुश नहीं थी। तकरीबन 1-1.5 महीने पहले मैंने राजीव को घर बुलाया था लंच पर ताकि माँ उसे और जान सके। जब मैंने राजीव को घर पे देखा तो मुझे लगा कि इस मर्डर को अंजाम देने में मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसलिए मैंने उसके सामने एक शर्त रखी। तुम अगर ईशा के साथ रहना चाहते हो मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और ईशा के साथ के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। किसी की जान ले सकते हो?
इस सब में आप राजीव को क्यों खींच रही हो? तुम्हारे साथ रहना चाहता है ना, तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। राजीव नताशा को मारने के लिए तैयार था, रीशा नहीं चाहती थी कि वो किसी पछड़े में पड़े। मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता है। लेकिन माँ, आप ऐसे कैसे किसी और की लाइफ डेंजर में डाल सकती हो? उसका तो इन सब से कोई लेना देना भी नहीं है। थोड़ा अकल से काम लो ईशा। कल को अगर नताशा के मर्डर की बात पुलिस तक पहुंच भी जाती है तो राजीव पर हम सारा ब्लेम डाल सकते हैं। माँ, अगर ये सब बात आप ना ही करो तो बेहतर होगा। राजीव पर प्यार का भूत सवार था, वो किसी भी तरह हमारे रिश्ते पर माँ की हामी चाहता था, इसलिए उसने मेरे लिए अपने सर पर इतना बड़ा खतरा उठा लिया। वो तो उसे करना ही था, बेवकूफ है वो। नताशा को कैसे मारा और क्यों? नताशा को मारने के लिए उसे उसके घर से बाहर निकालना जरूरी था, और मेरे कुछ भी कहने से वो घर से बाहर निकलने वाली थी नहीं, उसे कुछ मजबूत चारा देने की जरूरत थी। और फिर मैंने उसे वो चारा दी। ईशा की माँ कार्तिक और मोना के बारे में सब जानती थी, उसे सब पता था उनके अफेयर के बारे में, और यही बात मैंने एक अज्ञात कॉलर बनकर नताशा के कान में भरी। मैं उसे एक ऐसे नंबर से कॉल और मैसेज करता था जो मेरा नहीं था, मुझे कहीं पड़ा मिला था। और आगे का प्लान ये था कि धीरे धीरे मैं नताशा का विश्वास जीत लूँगा, और इन सब के लिए मुझे कार्तिक और मोना की एक पिक्चर चाहिए थी। प्लान के मुताबिक 10 अगस्त को राजीव ने वो फोटोज उसे दिखाए। मुझे पता था नताशा वो फोटोज देखकर बहुत अपसेट होगी। फिर रात 9:30 बजे मैंने नताशा को कॉल कर मिलने बोला। मैंने कहा कि मुझे पता है कार्तिक कहाँ है और किसके साथ, और 1,00,000 रुपए के बदले में मैं उसे वहाँ ले जा सकता हूँ। और नताशा कार्तिक को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, वो तुरंत राजी हो गई। फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने नताशा को मार्केट रोड के चौराहे से पिक किया। कहाँ है कार्तिक, किसके साथ है? मैं आपको वही लेके जा रहा हूँ, आप पैसे लाए हो? हाँ, पूरे 1,00,000 है, पर काम हो जाने के बाद। ये कहाँ लेके आ गए हो तुम मुझे, यहाँ जंगल के बीच में तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? बस एक मिनट। पल्लवी, ईशा, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्राइम कैसे हुआ ये तो आपने हमें बता दिया, पर एक सवाल अब भी बाकी है पल्लवी जी, क्यों, वजह क्या थी नताशा को मारने की? कार्तिक मेरा था, कानूनी तौर से भी और मन से भी, वो मेरा पति था, और नताशा ने उसे मुझसे छीन लिया था, इसलिए मुझे उसको अपने रास्ते से हटाना था। लेकिन आप दोनों तो बहुत साल पहले अलग हुए थे, तो फिर क्यों? क्योंकि मैं कार्तिक को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, शादी के दौरान भी उसके कई सारे अफेयर्स हुए, पर हर बार वो मेरे पास लौट कर आया था। और नताशा आने के बाद वो लौट कर नहीं आया? हाँ, पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया था। जब पहली बार मुझे कार्तिक ने बताया नताशा के बारे में कि वो उसे शादी करना चाहता है, तो मैंने उसकी बात मानी नहीं, कि मुझे तब भी उम्मीद थी कि वो मेरे पास वापस लौट कर आएगा। पर उसने शादी की और तब मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। माँ इस बात को मान ही नहीं रही थी कि पापा ने शादी कर ली। उन दिनों इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, जैसे इन्होंने अपना संतुलन ही खो दिया हो, और इन सबके जिम्मेदार मेरे पापा थे, इसलिए मैं उनसे आज भी उतनी ही नफरत करती हूँ। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था, माँ की तबीयत भी संभलने लगी थी, पर कार्तिक गिल को हमारी खुशियाँ कहाँ मंजूर थी। कार्तिक, इतनी देर रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पल्लवी, मैं तुमसे सॉरी। धीरे धीरे सॉरी पल्लवी। आराम से, आराम से। क्या क्या हालत बना रखी है तुमने? मिस यू पल्लवी, आई मिस यू। क्या कह रहे हो तुम ये? सच बोल रहा हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। इतने सालों बाद अब तुम्हें मेरी याद आई है, तुम ही तो गए थे ना मुझे छोड़कर। गलती हो गई मुझसे, मैं देखो आज वापस भी तो आया हूँ।
आज मेरे पास सब कुछ, नताशा, मोना, फिर भी मैं बहुत अकेला हूँ। I love you, Vipul. I love you, Vipul. कार्तिक के साथ वो रात गुजारने के बाद मेरी समझ में आ गया था कि कार्तिक अब भी मुझसे प्यार करता है और नताशा ही हमारे रास्ते का कांटा थी। इसलिए नताशा को रास्ते से हटाने का प्लान तुमने बना लिया और उसमें ईशा को भी शामिल कर लिया। क्या माँ, आपको समझ भी रहा आप क्या सोच रही हो? तुम नहीं समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ। नताशा के जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, हम सब लोग खुशी खुशी रहने लग जाएंगे, तुम्हारे पापा भी हमारे साथ रहेंगे। माँ प्लीज संभालो खुद को और मेरी बात को समझो, ये सब करने का कोई फायदा नहीं होगा। माँ पापा लौट कर नहीं आने वाले। प्लीज मेरी मदद करो। मैं अपनी माँ की तरह सपनों में नहीं जीती, मैं जानती थी ऐसा कुछ नहीं होगा, पापा की फितरत बदलने वाली नहीं थी। जब तुम्हें ये सब कुछ पता था तो माँ का साथ क्यों दिया? क्योंकि ये मेरी माँ है, बचपन से सिर्फ इन्होंने ही मुझे प्यार दिया है। मेरे अपने माँ बाप तक को मेरी कोई फिक्र नहीं है, उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और जहाँ तक बात नताशा की थी तो मेरी माँ की हालत की जिम्मेदार वही है, उसी ने हमारा घर तोड़ा था। सच कहूं उसे मारने का मुझे कोई गम नहीं। तुम लोगों की जिंदगी अच्छे से कट रही थी, तुम दोनों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ईशा तुम्हारी असली बेटी नहीं है और तुम उसकी असली माँ नहीं। इतना सब कुछ अच्छे से चल रहा था, वो एक झटके में तुमने खत्म कर दिया, एक ऐसे आदमी के लिए जिसने बार बार ये साबित किया है कि वो तुम्हारा ही नहीं किसी का भी अच्छा पति बन ही नहीं सकता। और तुम्हारा घर नताशा ने नहीं तोड़ा है, कार्तिक, जिसे अपना घर परिवार की या शादी इस शब्द की इज्जत करने आती ही नहीं है। बेटा ये तुमने क्या कर दिया, क्यों किया ऐसा? नताशा ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? नताशा ने नहीं, आपने बिगाड़ा। शौक क्यों हो रहे हैं? शादी और रिश्तों का मजाक बनाना तो आपकी आदत है ना, किसी के साथ रहना नहीं रहना ये तो आपकी मर्जी है। जब जी चाहा तब आप वापस आ गए और जब जी चाहा तब छोड़ दिया, पहले गीता फिर माँ नताशा और अब मोना, उसके साथ भी आप यही करेंगे ना? न जाने कितनी लड़कियों के साथ आपने सेम ड्रामा किया होगा, आपको तो ये भी नहीं पता कि इन सब चीज़ों का मुझ पर कितना बुरा असर पड़ा है। मुझे तो शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। पल्लवी गिल, उसकी बेटी ईशा गिल और ईशा के बॉयफ्रेंड राजीव वालिया को नताशा की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 और सबूत मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत बुक किया गया है। राजीव का फ्रेंड विक्रांत मेहता, जो कि अपराध में इस्तेमाल हुई कार का मालिक था, उस पर आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोप लगा है। पल्लवी हर हाल में कार्तिक को पाना चाहती थी, जिसके लिए उसने बिना कुछ सोचे समझे नताशा की हत्या कर दी। पल्लवी भावनात्मक रूप से उस हद तक पहुंच गई थी जहां तर्क और समझदारी बेकार लगने लगे थे, जहां पल्लवी को अपराध ही एकमात्र जरिया दिखाई दे रहा था और उसने इस जुर्म में ईशा को भी भागीदार बना लिया। बेशक पल्लवी गलत थी, लेकिन वो अकेली गलत नहीं थी। अगर ईशा चाहती तो अपनी माँ को समझाकर इस जुर्म को होने से रोक सकती थी, लेकिन उसने भी अपने अंदर की कड़वाहट के कारण समझदारी, लॉजिक और कॉमन सेंस को दरकिनार कर दिया। भावनात्मक रूप से उथल पुथल होने के वक्त लिया गया हर फैसला इसमें शामिल लोगों के लिए हमेशा तबाही लाने वाला ही होता है। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।